दोस्तों आज इंडिया एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है और इसकी वजह है हमारे पेट्रियोटिक साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा। 24 जनवरी 1966 को एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई थी। एयर इंडिया का ये प्लेन मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा था, लेकिन अमेरिका पहुंचने से पहले ही ये प्लेन यूरोप के एल्प्स माउंटेन रेंज में क्रैश हो गया। इस एक्सीडेंट में इंक्लूडिंग होमी जहांगीर भाभा 117 लोगों की जान गई थी। दोस्तों कहा जाता है कि होमी जहांगीर भाभा की मौत के पीछे यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ था। दोस्तों भाभा की डेथ कॉन्स्पिरेसी इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को रोकने की थी। अगर होमी जहांगीर भाभा जिंदा होते तो इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में मास्टरी हासिल कर चुका होता। ही वॉज दी फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पावर। दोस्तों आइए इस वीडियो के थ्रू हम जानते हैं होमी जहांगीर भाभा के बारे में, और हम ये भी जानेंगे कि किन एविडेंसेस के बेस पर अमेरिका पर लगा था भाभा की डेथ कॉन्स्पिरेसी का आरोप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार और स्वागत है आपका स्टडी ग्लोज में। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। दोस्तों होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई की एक वेल्दी पारसी फैमिली में हुआ था। 18 ईयर्स की एज में भाभा ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट की। बाद में उनका इंटरेस्ट फिजिक्स की ओर बढ़ा। अपने फादर की विश पर 1930 में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो कर ली, लेकिन आगे फिजिक्स की पढ़ाई कंटिन्यू रखी। 1934 में उन्होंने कॉस्मिक रेस को लेकर अपना पहला रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया और न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में उन्होंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी। 1939 में वो हॉलीडेज मनाने इंडिया आए थे, लेकिन लौट कर वापस नहीं जा सके क्योंकि तब तक वर्ल्ड वॉर टू छिड़ चुका था। 1940 में नोबेल लॉरिएट डॉक्टर सीवी रमन ने उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ज्वाइन करने को कहा। वहां वो एज अ रीडर ऑफ फिजिक्स कॉलेज में पढ़ाने लगे। जब होमी जहांगीर भाभा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में काम कर रहे थे, तब इंडिया में ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं था जिसके पास न्यूक्लियर फिजिक्स, कॉस्मिक रेस, हाई एनर्जी फिजिक्स और फिजिक्स में नॉलेज के अदर फ्रंटियर्स के लिए नेसेसरी फैसिलिटीज हों। इसने उन्हें मार्च 1944 में सर दुराबजी टाटा ट्रस्ट को फंडामेंटल फिजिक्स में रिसर्च के एक विग्रस स्कूल को एस्टेब्लिश करने के लिए एक प्रपोजल भेजने को स्टिमुलेट किया। सर दुराबजी जामसेठ जी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टीज ने अप्रैल 1944 में इंस्टीट्यूट शुरू करने के लिए भाभा के प्रपोजल और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करने का डिसाइड किया। बॉम्बे को एज अ लोकेशन चूज किया गया क्योंकि बॉम्बे गवर्नमेंट ने प्रपोज इंस्टीट्यूट के ज्वाइंट फाउंडर बनने में इंटरेस्ट दिखाया था। दोस्तों 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को एस्टेब्लिश किया गया और होमी जहांगीर भाभा को वहां का डायरेक्टर बनाया गया। जब भाभा ने रियलाइज किया कि एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अब TIFR के अंदर नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने गवर्नमेंट को न्यू लेबोरेटरी बिल्ड करने का प्रपोजल दिया। इस पर्पस के लिए बॉम्बे गवर्नमेंट ने ट्रॉम्बे में 1200 एकड़ लैंड को एक्वायर किया। इस प्रकार एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे ने 1954 में काम करना स्टार्ट कर दिया। बाद में इंदिरा गांधी ने होमी जहांगीर भाभा की मेमोरी में इंस्टीट्यूट का नेम चेंज करके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया। ड्यूरिंग दिस टाइम भाभा ने एम्बिशियस न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मोस्ट नोटेबली जवाहरलाल नेहरू को कन्विंस करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। इस विजन के पार्ट के रूप में भाभा ने इंस्टीट्यूट में कॉस्मिक रेस रिसर्च यूनिट को एस्टेब्लिश किया। उन्होंने पॉइंट पार्टिकल मूवमेंट की थ्योरी पर काम करना स्टार्ट किया, जबकि 1944 में इंडिपेंडेंटली न्यूक्लियर वेपन्स पर रिसर्च को कंडक्ट किया। दोस्तों भाभा ने इलेक्ट्रॉन द्वारा पॉजिट्रॉन के स्कैटर करने की प्रोबेबिलिटी के लिए एक करेक्ट एक्सप्रेशन ड्राइव करने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर प्रोमिनेंस अचीव की, एंड अ प्रोसेस नाउ नोन एज भाभा स्कैटरिंग। उनके मेजर कंट्रीब्यूशन में कॉम्पटन स्कैटरिंग, आर प्रोसेस और इसके अलावा न्यूक्लियर फिजिक्स के एडवांसमेंट में उनका काम शामिल था। बाद में उन्होंने इंडियन कैबिनेट साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी में एज अ मेंबर काम किया और इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के सेटअप के लिए विक्रम साराभाई को पिवटल रोल प्रोवाइड किया। दोस्तों भाभा एक एबल साइंटिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ एक एमेच्योर बॉटनिस्ट, एक पेंटर, क्लासिकल म्यूजिक और ओपेरा एंथुजियस्ट भी थे। वो अब तक के इंडिया के मोस्ट प्रोमिनेंट साइंटिस्ट में से एक थे। भाभा ने इलेक्ट्रॉनिक, स्पेस साइंस, रेडियो एस्ट्रोनॉमी और माइक्रोबायोलॉजी में रिसर्च को भी इनकरेज किया। ऊटी इंडिया में फेम्ड रेडियो टेलीस्कोप उनका इनिशिएटिव था और ये 1970 में रियलिटी बन गया। होमी भाभा फेलोशिप काउंसिल 1967 से होमी भाभा फेलोशिप दे रही है
उनके नाम पर अदर नोटेड इंस्टीट्यूट्स जैसे होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट एंड इंडियन डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन मुंबई इंडिया में है। दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा की मौत एक प्लेन क्रैश में हुई, लेकिन कहा जाता है कि वो प्लेन क्रैश जानबूझकर करवाया गया था। अमेरिका नहीं चाहता था कि इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़े, इसलिए अमेरिका इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने होमी जहांगीर भाभा जिस प्लेन से जा रहे थे उसका क्रैश करवा दिया। हालांकि इसे कभी प्रूफ नहीं किया जा सका। दोस्तों, अगर होमी जहांगीर भाभा की मौत एक प्लेन क्रैश में ना हुई होती तो शायद इंडिया न्यूक्लियर साइंस की फील्ड में ग्रेट अचीवमेंट अचीव कर चुका होता। सिर्फ 56 साल की एज में इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के जनक होमी जहांगीर भाभा की मौत हो गई थी। 24 जनवरी 1966 को होमी जहांगीर भाभा एयर इंडिया फ्लाइट नंबर 101 से ट्रेवल कर रहे थे। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा एयर इंडिया बोइंग 707 एयरक्राफ्ट माउंट ब्लैंक हिल्स के पास एक्सीडेंट का शिकार हो गया। इस एक्सीडेंट में होमी जहांगीर भाभा समेत 117 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय के इस एक्सीडेंट को लेकर कई बातें हुई। कई लोगों का मानना है कि प्लेन को कॉन्स्पिरेसी के थ्रू हादसे का शिकार बनाया गया। कुछ लोगों का मानना है कि प्लेन में बम धमाका हुआ था, जबकि कुछ का कहना है कि इसे मिसाइल या फाइटर प्लेन के जरिए शॉट डाउन किया गया था। लेकिन इसके पीछे लॉजिक ये है कि CIA ने इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए भाभा की डेथ कॉन्स्पिरेसी रची थी, लेकिन इसे कभी प्रूफ नहीं किया जा सका। दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई उसके अकॉर्डिंग जिनीवा एयरपोर्ट और फ्लाइट के पायलट के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। माउंट ब्लैंक हिल्स के बीच फ्लाइट की लोकेशन को लेकर कंफ्यूजन हुआ था, जिसकी वजह से प्लेन एक्सीडेंट का शिकार हुआ। इसके बाद प्लेन का कुछ पता नहीं चला। 2017 में प्लेन क्रैश के कुछ एविडेंस हाथ लगे थे। फ्रांस में एल्प्स हिल्स के बीच लोकेटेड माउंट ब्लैंक पर एक खोजकर्ता को मानव अवशेष मिले थे। उस समय बताया गया कि ये अवशेष उन लोगों के हो सकते हैं जो 1966 में एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश में मारे गए थे। मानव अवशेष को डिस्कवर करने वाले डेनियल रॉस ने कहा कि मैंने इससे पहले इन हिल्स पर कभी भी मानव अवशेष जैसे एविडेंस नहीं पाए। इस बार मुझे अपर पार्ट ऑफ आर्म और एक लेग मिला है। हालांकि बाद में पता चला कि जो अवशेष मिले हैं वो किसी वुमेन के हैं। मे बी उस वुमेन की जान सेम एक्सीडेंट में गई हो। ये क्लेम इसलिए स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वहां मानव अवशेष के साथ साथ एयरक्राफ्ट का जेट इंजन भी मिला था। होमी जहांगीर भाभा की मिस्टीरियस डेथ की अनदर थ्योरी 2008 में आई। 2008 में एक वेबसाइट ने जर्नलिस्ट ग्रेगरी डॉगलस और CIA ऑफिसर रॉबर्ट क्रॉली के बीच कन्वर्सेशन छापी। इस कन्वर्सेशन में क्रॉली कह रहे थे कि इंडिया ने 60s में एटॉमिक बॉम्ब पर काम करना शुरू कर दिया था। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट, इंडिया ये सब रसिया की हेल्प से कर रहा था। इस कन्वर्सेशन में रॉबर्ट क्रॉली ने भाभा को डेंजरस बताया था। क्रॉली के अकॉर्डिंग भाभा जिस वजह से वियना जा रहे थे उसके बाद उनकी प्रॉब्लम्स और इंक्रीज हो जाती। इसी वजह से प्लेन को बॉम्ब एक्सप्लोजन के थ्रू उड़ा दिया गया। कहा जाता है कि अक्टूबर 1965 में भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंस किया था कि अगर उन्हें फ्रीडम मिले तो इंडिया 18 मंथ्स में एटॉमिक बॉम्ब बनाकर दिखा सकता है। भाभा चाहते थे कि एनर्जी, एग्रीकल्चर और मेडिसिन की फील्ड में इंडिया की प्रोग्रेस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम बने। भाभा ये भी चाहते थे कि कंट्री की सिक्योरिटी के लिए एटॉमिक बॉम्ब बने। कहा जाता है कि इंडिया की प्रोग्रेस को देखते हुए अमेरिका डर गया था। अमेरिका को लग रहा था कि अगर इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो ये पूरे साउथ एशिया के लिए डेंजरस होगा। इसलिए CIA ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए भाभा डेथ कॉन्स्पिरेसी रची थी। तो दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा।